यहाँ पर हमने एक नट क्रिएट की है, अब इस नट के अंदर हमें थ्रेड क्रिएट करने हैं, यहाँ पे थ्रेड अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए हमें एक पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिसके ऊपर हमें डायमीटर पर थ्रेड अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उस थ्रेड को हमने ऑलरेडी एक उस पार्ट को हमने क्रिएट किया हुआ है, उस पार्ट को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे पार्ट पार्ट वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, इसे ओपन करना है। फिर यहाँ से जहाँ भी आपकी फाइल जिस लोकेशन में आपने बोल्ट सेव किया हुआ है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पार्ट वन इंसर्ट किया हुआ है, तो यहाँ से ड्रैग करना है, फिर यहाँ पे वर्क स्पेस में ड्रॉप कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लोकेट पार्ट। इस पार्ट को हमें जिस एरिया में हमें सेट करना है, जिस पोजीशन में हमें सेट करना है, उस पोजीशन में यहाँ से सेट करेंगे। तो यहाँ पर इस बोल्ट के डायमीटर को सिलेक्ट करना है, मेट सेटिंग। इस मेट सेटिंग के बॉक्स में हमें सबसे पहले इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है, स्क्रू के सर्कुलर पार्ट को सिलेक्ट करना है। फिर ये बोल्ट हमें इस वाले होल में सेट करना है, तो इस वाले होल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये पार्ट यहाँ पे इस एक्सिस लाइन में सेट हो जाएगा, फिर ऐड करके ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये इस होल के सेंटर में सेट हो गया है। अब सारे प्लेन को हमें हाइड कर देना है। देखिए इस नट के सेंटर में ये स्क्रू सेट हो गया है, बट यहाँ पे नट का जो होल था वो छोटा था, इसके अंदर थ्रेड नहीं थे। अब ये थ्रेड इसके अंदर अप्लाई करने हैं। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे एक फीचर है, फीचर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा कंबाइन, कंबाइन वाला फीचर हमें एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ऐड, सब्सक्रैक्ट एंड कॉमन। तो हम यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो मेन बॉडी है जिसमें हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं, जिसमें भी हमें थ्रेड अप्लाई करने हैं, उसे सिलेक्ट कर देना है। इस बॉडी को हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि थ्रेड हमें इसमें अप्लाई करने हैं। अब सब्ट्रैक्ट कौन सा है पार्ट हमारा, ये स्क्रू है, ये एक तरह से टूल है हमारा, इसके थ्रेड इसके अंदर अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्क्रू सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से डायरेक्टली ओके कर देना है। तो देखिए ये थ्रेड इसमें अप्लाई हो गए हैं, सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। यहाँ पे देखिए अंदर की साइड में जो थ्रेड हमारे स्क्रू के थे वो थ्रेड यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने कोई भी थ्रेड, जो थ्रेड आपने स्क्रू में अप्लाई किए वो डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के प्रोजेक्ट और कैड आइडियाज़ के लिए हमें फॉलो कीजिए।